रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है। शिव डहरिया ने बीजेपी को बताया है कालने में बीजेपी हिटलर की औलाद है, ऐसा शिव डहरिया ने कहा है। बीजेपी ने विकास को रोकने का काम किया, संसद में कांग्रेस के सांसदों को बोलने नहीं दे रहे। नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य हैं। डहरिया ने आरएसएस पर निशाना साधा, आरएसएस ने अंग्रेजों का जासूसी का काम भी किया। ये शिव डहरिया के बयान है। भगवान राम रही थे, भगवान राम के काम न रोके के लिए काल ने भी राक्षस रही थे, और इसने आज भारतीय जनता पार्टी अमर देश के विकास के लिए, देश के समृद्धि के लिए, देश के एकता अखंडता के लिए कोई काम नहीं करते, काल लेनी के रूप में काम करते। हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में बोलना चाहती, संसद में बोलना नहीं देते। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो संसद में जनता चुन के भेजे है, बोला संसद में नहीं बोलने देते। अघोषित आपातकाल लगा है, ये मन हिटलर के औलाद है। ये बड़ा बयान शिव डहरिया ने दिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया। शिव डहरिया ने बीजेपी को कालनेमी बताया है। बीजेपी हिटलर की औलाद है, बीजेपी ने विकास को रोकने का काम किया है, संसद में कांग्रेस के सांसदों को बोलने नहीं दे रहे। नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य हैं। ये सारे बयान डहरिया ने दिए हैं। डहरिया ने आरएसएस पर निशाना साधा है, आरएसएस ने अंग्रेजों का जासूसी का काम किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है। शिव डहरिया ने बीजेपी को कालनेमी बताया है। बीजेपी हिटलर की औलाद है, ये भी कहा है शिव डहरिया ने। बीजेपी ने विकास को रोकने का काम किया है। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं बीजेपी के लिए, उनका कहना है कि बीजेपी कालनेमी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शिव डहरिया जी और कांग्रेस के मंत्रीगण इस समय अपना आपा खो चुके हैं, और सारा मंत्रिमंडल और कांग्रेस के नेता अहंकार में चूर हैं। इस प्रकार की बातें ही प्रकट करता है कि आने वाले समय में इनका जाना तय है, क्योंकि दिया जो है आखिर समय में इसकी लौ तेज हो जाया करती। तो इसी प्रकार कर ये भरमाना चाहते हैं और इस तरीके का अनर्गल बात करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि कालनेमी कौन है, कौन राम है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ का आमंत्रण भी करा रही है, कांग्रेस है बांग्लादेशी घुसपैठियों को रहा है, इस पर खंडन देने को छोड़कर वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और कांग्रेस का चरित्र पूरे देश में उजागर है कि उन्होंने राम के खिलाफ किस तरीके का, राम अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा दिया था सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के। तो राम की बात करना कांग्रेसियों को शोभा नहीं देता है। ठीक, अनुराग जी आप लगातार बने रहिए। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। शिव डहरिया जी ने बयान दिया है और कई सारी बातें बीजेपी के लिए कही गई हैं, कालनेमी कहें, हिटलर के औलाद कहें, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। नितिन जी, आखिर किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डरी हुई है तभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, शब्दों का इस्तेमाल पहले किसने किया और क्या कहा उस पर मैं नहीं जाना चाहता। 2-3 दिन पहले इनके पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता अजय चंद्राकर जी के बयान को आप सुन सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ खुले तौर पर, मंत्री जी तो कह ही रहे, मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सुपर्णखा, इस प्रकार के सारे जो निगेटिव कैरेक्टर थे रामायण में, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में है और वैसा कृत्य कर रहे हैं, वैसा काम भी कर रहे हैं। और रहा सवाल संस्कृति को, धर्म को सहजने का, हमारी संस्कृति को
आम जन तक पहुंचाने का, प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव रायगढ़ में हुआ, वो राष्ट्रीय था लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया क्योंकि अन्य देशों से भी वहां पर मानस मंडलियां आई और वहां पर कार्यक्रम हुए। मैंने तो टीवी डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आने के लिए आमंत्रित किया था कि आप लोग आइए, आपके आने की जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। और ऐसे आयोजनों में तो मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए, भाजपा को भी इसमें शामिल होना था, पर नहीं, मुद्दा विहीन और चेहरा विहीन लोग हैं, किसी प्रकार उल्टी सीधी बातें करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। बाकी ये रामायण के जो राक्षस होते हैं, जैसा कि मैं एक चीज बताऊं आपको, कोई अच्छे अनुष्ठान होते हैं या कोई कार्य होते हैं तो उसमें विघ्न डालने का काम आप देखिएगा राक्षस करते हैं, ऐसा शुरू से आपने भी देखा होगा इतिहास में भी ये चीज आएगी, राक्षस उसमें विघ्न डालने का काम करते हैं। यहाँ पर भी राक्षसों ने विघ्न डालने का काम किया पर सफल नहीं हो पाया। अनुराग जी, राक्षसों से तुलना की गई है, क्या कहेंगे? देखिए रामायण में अरण्य कांड राम के, मुझे लगता है असुरक्षित यदि कोई है तो आज के तारीख में सबसे अधिक सुरक्षित है। सबसे ज्यादा असुरक्षित हमारा बस्तर है, सरगुजा है, हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है और सरकार का सिलेआम संरक्षण उनको प्राप्त है। तो ये लोग एक तरफ धर्मांतरण करते हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों को छत्तीसगढ़ में बसाते हैं, जिहादियों को संरक्षण देते हैं और राम की बात चरित्र को कार्यक्रम तक होता है। इस विषय में कड़े कानून बने हैं अनुराग जी, एक भी प्रकरण होगा बताइए? बिल्कुल कोई प्रकरण नहीं है, आपकी मन की उपज है। अरे रोज वहाँ पर खूनी हिंसा हो रही है बस्तर में धर्मांतरण को लेकर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक एक करके प्लीज बोलिए। अनुराग जी जवाब दे दे, नितिन जी आपके पास लौटूंगी मैं। ये है जो बस्तर हो रहा है तो अरण्य तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, असुरक्षित है छत्तीसगढ़ के अंदर, और इनकी सरकार धर्मांतरण को संरक्षण दे रही है। तो जो राम राम की बात कर रहे हैं जी, राम भक्त करने की आवश्यकता नहीं है, नल पर प्रतिबंध बात करते हैं। ठीक लौटूंगी आपके पास। नितिन जी मेरा सवाल यह है कि बस्तर को लेकर हमेशा से कई सारे आरोप लगते हैं, कई सारे विवाद उठते हैं, आखिर बस्तर को लेकर के क्या कहेंगे आप? कई सारे आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पे तो लगा दिए पर बीजेपी भी ये सवाल उठाती है कि आप हम पर कहते हैं कि काम रोकते हैं, विकास का काम रोकते हैं, आपने क्या किया है बस्तर में? बस्तर में विकास, विश्वास और सुरक्षा सरकार ने तीन मंत्रों पर काम किया है, बस्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। बस्तर आज नक्सलियों की बम और गोली की आवाज से नहीं, नक्सल बस्तर आज जो है स्कूलों की घंटियों के नाम से जाना पहचाना चाहता है। बस्तर की इमली, महुआ, चिरौंजी और कॉफी की खुशबू देश और विदेशों में प्रख्यात है। बस्तर आज पर्यटन के नाम से पहचाना जाता है, बस्तर विकास। ठीक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।